हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे केले के फूल को कैसे साफ़ किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि केले के फूल का कौन सा पार्ट रखना है और कौन सा नहीं रखना है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस फ्लावर को कैसे साफ़ करना है, किस पार्ट को रखना है और किसको नहीं रखना है। सबसे पहले हम लेते केले का फूल, उसके बाद उसकी सारी पंखुड़ियाँ निकाल के साइड में रखेंगे। साइड में रख के अब केले का जो फूल है उसे छीन लेंगे। हम लोग एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लेयर क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाला। अब मैंने ऊपर का जो पेटल्स है वो निकाल लिया है, निकाल के फूल को निकाल के प्लेट में रख रही हूँ। प्लेट में रख के अब हम लोग देखते हैं इसको क्लीन कैसे किया जाता है। इसका एक एक फूल साफ़ करना पड़ता है। मैंने एक फूल निकाला है, फूल में आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक जैसा है, अंदर माचिस की तीली जैसा है और उसके बाद फूल है। तो ये जो माचिस की तीली जैसा दिख रहा है उसको और ये जो प्लास्टिक जैसा दिख रहा है इसको निकालना ज़रूरी है। इस तरीके से निकाल के इसको हम लोग रखेंगे साइड में। मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो माचिस की तीली जैसा लंबा सा जो दिख रहा है, सबसे लंबा यही रहता है, इसको हम लोग निकालेंगे। उसके बाद सबसे सामने जो कल मतलब प्लास्टिक जैसा दिख रहा है इसको निकालेंगे, निकाल के साइड में रखेंगे। माचिस की तीली जैसा जो दिख रहा है वो और जो प्लास्टिक जैसा दिख रहा है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ही रहेगा, वाइटिश रहेगा, उसको निकाल के हम लोग रखेंगे प्लेट में। अगर हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, ये जो कली जैसा दिख रहा है, तो सब्ज़ी जल्दी पकेगी नहीं और थोड़ी सी कड़वी रहेगी, और ये जो प्लास्टिक जैसा है ये पकता नहीं है, तो इसको भी निकालना ज़रूरी है। निकाल के इसको हम लोग रखेंगे साइड में। इसी तरीके से हमें एक एक फूल को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर हम लोग अच्छे से नहीं साफ़ करेंगे तो सब्ज़ी वैसे तो पकेगी नहीं और थोड़ा सा उसमें कसेलापन रहेगा। इसी तरीके से मैंने ऊपर का एक लेयर क्लीन कर दिया। अब मैं फिर से जो केले का फूल है उसकी पंखुड़ियाँ निकाल रही हूँ, निकाल के उसके अंदर के जो फूल है उनको मैं निकाल रही हूँ। निकाल के इनको भी सेम उसी तरीके से हम लोग साफ़ करेंगे जैसा हमने पहला वाला साफ़ किया था। केले का फूल साफ़ करते समय थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट इसको साफ़ करने के बाद इससे हम लोग जो भी रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी रहेगी। चाहे तो आप इसकी सब्ज़ी बनाओ, चाहे इसके आप पकौड़े बनाओ, चाहे आप इसके वड़े बनाओ, जो भी बनाओ, सारी रेसिपी बहुत टेस्टी रहेगी, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी। अब केले का छिलका पूरा अच्छे से निकल गया। निकलने के बाद मैं लास्ट वाला लेयर निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आप देख सकते ये जो फूल है ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो इनको छिलने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसमें का वो जो माचिस की तीली जैसा दिख रहा है उसे निकालने की ज़रूरत है, ना ही प्लास्टिक वाला पार्ट। इनको डायरेक्ट आप काट के सब्ज़ी बना सकते हैं। अब लास्ट में आप देख सकते हैं ये छिलका उतारने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। यहाँ पे अब हम इसको छीलेंगे नहीं, इसको हम लोग काट के इसकी जो डंडी है उसको साइड में कर देंगे। अब इसको बीच में से काट के मैं इसके दो पीस कर लूँगी। दो पीस करने के बाद इसको मैं चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से लंबा भी कर सकते हो या इस तरीके से बारीक चॉप भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रेसिपी के ऊपर या आपके चॉइस के ऊपर। इसको मैंने साफ़ कर लिया। अब इसी तरीके से आपको भी केले का फूल साफ़ करना है। केले का फूल क्लीन करने के तुरंत बाद अगर आप रेसिपी बना रहे हो तो डायरेक्ट क्लीन करके आप इसकी जो भी रेसिपी बनाना है वो बना लेना। अदरवाइज़ आप दो तीन घंटे बाद बनाने वाले हो तो इसे छाछ या दही के पानी में डाल के नमक डाल के रख देना। ऐसा करने से केला काला नहीं पड़ता है। अब हमारा केले का फूल एकदम अच्छे से क्लीन होकर रेडी है। अब अगर आप तुरंत रेसिपी नहीं बनाओगे, थोड़ी देर बाद बना रहे हो, तो एक बाउल में 3 स्पून दही या छाछ लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप उसमें केले का फूल डाल के रख देना। बस हमारा केले का फूल क्लीन हो गया। आप भी इसी तरीके से साफ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।